Dum Kids TV। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास कपड़े या खाना तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब वो शिकार पर निकला तो उसे एक बत्तख दिखाई दी। बत्तख बहुत ही छोटी और दुबली पतली सी थी। इसे खाकर भी किसान का पेट नहीं भर सकता था। लेकिन किसान ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। किसान ने बत्तख को मारने का फैसला किया। जैसे ही उसने बंदूक बत्तख की तरफ की, बत्तख रोते हुए बोली, रहम करो किसान भाई, मुझे मत मारो, मुझे घर ले चलो और थोड़ा खाना और पानी दो। तुम मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम अमीर हो जाओगे। वो भूखा किसान बत्तख की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और बत्तख को मारने के बजाय वो उसे खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गया। अगली सुबह भूखा किसान जब नींद से जागा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बत्तख ने एक अंडा दिया है। उसने गौर से देखा तो पता चला वो सोने का अंडा है। किसान की आंखें खुशी से चमकने लगी क्योंकि उसकी किस्मत अब बदल चुकी थी। उसने बाजार जाकर वो अंडा बेचा और उन पैसों से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और गर्म कपड़े खरीदे। शाम को जब वो घर पर लौटा तो उसकी नजरें अपने बत्तख पर पड़ी जिसने सोने का अंडा दिया था। उसने सोचा, अगर इस बत्तख ने एक सोने का अंडा दिया है तो इसके अंदर और भी बहुत से अंडे होंगे, क्यों ना मैं इसे काट दूं और सोने के सारे अंडे निकाल लूं। मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरे खाने या किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और फिर उस बेवकूफ किसान ने बत्तख को काट दिया। उसे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। लेकिन अफसोस, उसे बत्तख के अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। किसान अब अपनी बदकिस्मती, लालच और जल्दबाजी भरे फैसले पर पछताने लगा। अगर वो बत्तख को अनाज और पानी देता रहता तो उसे हर रोज एक सोने का अंडा मिलता रहता। लेकिन अब उसने सब कुछ खो दिया था, बत्तख भी और साथ ही सोने के अंडे भी। एक समय जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही धूर्त और चालाक थी। एक दिन एक सारस को देखकर उसे चालाकी सूझी और उसने सारस को खाने के लिए घर पर बुलाया। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आज तुम मेरे घर आकर लजीज सूप पीना पसंद करोगे? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, सारस ने जवाब दिया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट सूप बनाकर अपना वादा तो निभाया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से सारस को वो सूप एक सपाट थाली में परोस दिया और फिर वो खुद तो सारा का सारा सूप पल भर में चट कर गई। लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से थाली के उस सूप की कुछ बूंदे ही पी पाया। कहो कैसा लगा सूप? बहुत स्वादिष्ट है ना, मजे से पियो, लोमड़ी ने मस्खरी की। सारस सुनकर बेचारा चुप रहा और सूप पीने का बहाना करता रहा। लेकिन शाम को जब वो भूखा सारस लोमड़ी के इस मजाक से शर्मिंदा होते हुए वापस लौटा तो उसने उसे सबक सिखाने की बात मन में ठान ली। और फिर एक दिन वो लोमड़ी के घर आया और उसे खाने का न्योता देते हुए बोला, सुनो लोमड़ी, आज शाम को मेरे घर कीमा बनेगा, तुम भी खाने आओ ना। सारस ने कहा, शुक्रिया प्यारे दोस्त, मैं जरूर आऊंगी, लोमड़ी ने ललचाते हुए कहा। सारस ने कीमा बनाया और उसे दो सुराहियों में भरकर रख दिया। सारस तो आसानी से कीमे को खाने लगा, लेकिन धूर्त लोमड़ी सुराही में मुंह नहीं डाल पाई और कोशिशों के बाद बाहर पड़े टुकड़ों को चाट कर ही संतुष्ट होना पड़ा। क्या तुम्हें कीमा पसंद आया मेरे दोस्त? मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया था, चतुर सारस ने लोमड़ी से मुस्कुराते हुए कहा। सारस की यह चाल देखकर लोमड़ी को अपनी करनी याद आ गई और उसे मानना पड़ा कि चतुर सारस ने आज उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है।
सारस ने लोमड़ी को उसकी गलत करनी का एहसास दिलाते हुए अपना बदला ले लिया। एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। काम करते हुए थक कर वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसे नींद आ गई। सोते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वो बहुत दुखी हुआ और रोते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी कुल्हाड़ी के बिना अब क्या करूंगा? भला मैं अब अपना पेट कैसे भरूंगा? लकड़हारे को यूं रोता देख धन के देवता ने उसके सामने प्रकट होकर पूछा, क्या हुआ लकड़हारे, रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा। लकड़हारे का दुखड़ा सुन धन के देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आकर बोले, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। धन के देवता की बात सुनकर लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को गौर से देखा और उसे लेने से इनकार करते हुए बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब धन के देवता ने दोबारा नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने ये कहते हुए कुल्हाड़ी को लेने से मना कर दिया कि ये कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। और तब तीसरी बार धन के देवता पानी में उतरे और लकड़हारे की खोई हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को देखकर खुश होते हुए कहा, जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन के देवता लकड़हारे की इस ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने बेशकीमती सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के लालच में ना आकर केवल अपनी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी को ही लेने की हामी भरी थी। धन के देवता ने लकड़हारे से कहा, मेरी नजरों में तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान साबित हुए, इसलिए तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ मैं तुम्हें ये दोनों कुल्हाड़ियां भी देता हूं। इन कीमती उपहारों को पाकर लकड़हारे ने खुश होकर धन के देवता को धन्यवाद कहा। एक छोटे से गांव में एक चालाक आदमी रहता था जो अपने आप को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता और तांत्रिक बताता था। बाजार में बैठकर वो लोगों को उनके खोए हुए सामान और दूसरी बातों की सही सूचना देने का ढोंग रचता था। उसने गांव के काफी लोगों को अपने जाल में फंसाया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे धूर्त मानते थे। उन्हें लगता था कि जरूर ये तांत्रिक गांव के भोले भाले लोगों से जानकारी लेकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और फिर उनसे खूब पैसे ऐंठता है। एक दिन एक जवान लड़का भीड़ को चीरता हुआ तांत्रिक के पास आया और हांफते हुए बोला, तांत्रिक जी सुनिए, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या क्या हुआ लड़के? तांत्रिक ने घबराते हुए पूछा। वो मैं अभी आपके घर की तरफ गया था और मैंने देखा वहाँ आग लगी हुई है, लड़के ने घबराने का बहाना करते हुए कहा। क्या, मैं खुद जाकर देखता हूँ। घबराया हुआ तांत्रिक घर की ओर भागा। गांव वाले भी दुर्घटना का नजारा लेने उसके पीछे पीछे हो लिए। जब तांत्रिक के साथ लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर में तो आग नहीं लगी है, वो एकदम ठीक है। बच गया। राहत की सांस लेकर तांत्रिक घर के सामने बैठ गया और फिर तभी उस लड़के ने तांत्रिक का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तांत्रिक बनकर लोगों को भविष्य बताते हो और तुम्हें अपने घर का सही हाल भी नहीं मालूम, तुम तांत्रिक नहीं धोखेबाज हो। लोगों को तांत्रिक की धूर्तता का पता चल गया था और फिर सब ने मिलकर उसे गांव से भगा दिया। एक दिन एक नेवले ने एक चमगादड़ को पकड़ लिया। चमगादड़ ने नेवले से गुहार लगाते हुए कहा, मेरी विनती है श्रीमान, मुझे छोड़ दीजिए वरना मेरी बीवी और दो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नेवले ने शिकंजा कसते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे तुम जैसे पक्षी पसंद नहीं। चमगादड़ ने झूठ मूठ कराहते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो नेवले भाई, मैं कोई पक्षी नहीं हूँ, मैं तो आप ही के जैसा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, मैं भी एक चूहा हूँ।
नेवले ने चमगादड़ को गौर से देखा और बेदिली से उसे जाने दिया। कुछ दिन बाद एक दूसरे नेवले ने उसी चमगादड़ को पकड़ लिया। चमगादड़ ने फिर गुहार लगाई, मुझे जाने दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इस नेवले को चूहों से नफरत थी। वो बोला, मुझे तुम चूहे बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चालाक चमगादड़ को झट से एक दूसरा उपाय सूझा और उसने कहा, मैं चूहा नहीं हूँ, देखो मेरे पंख हैं, मैं उड़ सकता हूँ, मैं तो एक पक्षी हूँ। इस बार भी नेवले ने चमगादड़ को छोड़ दिया। अपनी सूझबूझ और चतुराई से वो दोनों मुश्किल हालात में बच निकलने में कामयाब हुआ। जंगल में एक शेर रहता था। मजबूत पंजे और दांत होने के बावजूद उसे एक बड़ी समस्या थी। वो मुर्गे की बांग को सुनकर थर थर कांपने लगता था। क्या मुझे जीने का अधिकार है? अगर इतना शक्तिशाली पशु होते हुए भी मुझे एक छोटा सा मुर्गा डरा दे तो मेरा क्या फायदा? ये सोचकर वो रोने लगा। और जब वो अपनी इस दयनीय हालत पर आंसू बहा रहा था तो उसे एक हाथी दिखाई दिया। हाथी विशाल और डरावना था, लेकिन वो अपने बड़े बड़े कानों को चिंता में तेजी से फड़फड़ा रहा था। तुम्हें किसका डर है मेरे दोस्त? शेर ने हाथी से पूछा। क्या किसी में इतना दम है कि वो तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जीव को नुकसान पहुंचा सके? तुम हैरान होगे, लेकिन ये सच है। तुमने उस छोटी मधुमक्खी के डंक को देखा है? अगर वो गलती से भी मेरे कान में घुसकर काट ले तो मैं दर्द से पागल हो जाऊंगा। हाथी की बात सुनकर शेर को बहुत हौसला मिला। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी परेशानियों का रोना सबके सामने नहीं रोएगा और केवल खुशहाल जीवन जीने का भरोसा करेगा। आखिर उसे तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो जंगल का राजा है। एक समय जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही धूर्त और चालाक थी। एक दिन एक सारस को देखकर उसे चालाकी सूझी और उसने सारस को खाने के लिए घर पर बुलाया। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आज तुम मेरे घर आकर लजीज सूप पीना पसंद करोगे? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, सारस ने जवाब दिया। लोमड़ी ने स्वादिष्ट सूप बनाकर अपना वादा तो निभाया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से सारस को वो सूप एक सपाट थाली में परोस दिया और फिर वो खुद तो सारा का सारा सूप पल भर में चट कर गई। लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से थाली के उस सूप की कुछ बूंदे ही पी पाया। कहो कैसा लगा सूप? बहुत स्वादिष्ट है ना? मजे से पियो। लोमड़ी ने मस्खरी की। सारस सुनकर बेचारा चुप रहा और सूप पीने का बहाना करता रहा। लेकिन शाम को जब वो भूखा सारस लोमड़ी के इस मजाक से शर्मिंदा होते हुए वापस लौटा तो उसने उसे सबक सिखाने की बात मन में ठान ली। और फिर एक दिन वो लोमड़ी के घर आया और उसे खाने का न्योता देते हुए बोला, सुनो लोमड़ी, आज शाम को मेरे घर कीमा बनेगा, तुम भी खाने आओ ना। सारस ने कहा, शुक्रिया प्यारे दोस्त, मैं जरूर आऊंगी, लोमड़ी ने ललचाते हुए कहा। सारस ने कीमा बनाया और उसे दो सुराहियों में भरकर रख दिया। सारस तो आसानी से कीमे को खाने लगा, लेकिन धूर्त लोमड़ी सुराही में मुंह नहीं डाल पाई और कोशिशों के बाद बाहर पड़े टुकड़ों को चाट कर ही संतुष्ट होना पड़ा। क्या तुम्हें कीमा पसंद आया मेरे दोस्त? मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया था, चतुर सारस ने लोमड़ी से मुस्कुराते हुए कहा। सारस की ये चाल देखकर लोमड़ी को अपनी करनी याद आ गई और उसे मानना पड़ा कि चतुर सारस ने आज उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। सारस ने लोमड़ी को उसकी गलत करनी का एहसास दिलाते हुए अपना बदला ले लिया। एक दिन एक गधे को शेर की खाल मिली और वो उसे पहनकर खुद को बहादुर शेर समझता हुआ जंगल में घूमने लगा। इस नकली शेर को देखकर जानवरों के बीच भगदड़ मच गई। अपने इस रूप से सबको डरा हुआ देखकर गधा बहुत खुश हुआ। अब वो एक लोमड़ी को देखकर उसकी तरफ दौड़ा। लोमड़ी के पास पहुंचकर गधे ने शेर की नकल करते हुए दहाड़कर लोमड़ी को डराने की कोशिश की।
अरे ओ बेवकूफ गधे, अगर तुम अपना मुंह बंद रखते तो शायद मैं भी तुम्हारी इस चाल से डर जाती, लेकिन तुम तो शेर की खाल पहनकर भी एक गधे के गधे ही रहे। गधे ने अब ये जान लिया कि सिर्फ भेष बदलने से खुद को छुपाकर दूसरों को डराया नहीं जा सकता, चालाकी और धूर्तता से सिर्फ खुद का ही नुकसान होता है। एक आलसी टिड्डे ने अपनी पूरी गर्मियां सर्दियों के लिए खाना जमा करने के बजाय गाना गाने में गुजार दी, और जब सर्दियां शुरू हुई तो खाना न होने की वजह से उसे भूख सताने लगी, और फिर उसे नजदीक में रहने वाली चींटियों की याद आई और वो उनके पास जाकर बोला, प्यारी चींटियों, क्या तुम मेरे घर भी थोड़ा खाना पहुंचा सकती हो? देखो भाई टिड्डे, हम चींटियों ने बड़ी मेहनत से ये खाना इसीलिए जमा किया ताकि हमें सर्दियों में भूखा ना सोना पड़े। तुम पूरी गर्मी क्या करते रहे? चींटियों ने पूछा। गर्मियाँ कितनी सुहानी होती है, नीला आसमान, हरी घास और चमकता सूरज, ये देखकर मैं दिन रात गाता ही रहा। टिड्डे ने जवाब दिया। ओ तो तुम पूरी गर्मियाँ गाते ही रहे, तो अब पूरी सर्दी तुम्हें बिना खाने के नाचना ही पड़ेगा। टिड्डे को आलस की कीमत चुकानी ही पड़ी। आज की कड़ी मेहनत से ही हमारा कल सुरक्षित होता है। एक समय की बात है, जुपिटर ग्रह पर एक ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक दिन उसने जुपिटर ग्रह से शिकायत की। मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे मैं भी आदर और सम्मान का हकदार बन सकूं। बैल के पास सींग है, हाथी वरा के पास दांत हैं, बाघ और शेर के पास नुकीले पंजे हैं जो उन्हें शक्तिशाली और आदरणीय बनाते हैं, और एक मैं हूँ जिसे हमेशा ही दूसरों से अपमान झेलना पड़ता है। ऊंट ने रोते हुए कहा। इस पर जुपिटर ग्रह ने क्रोधित होते हुए जवाब दिया, अरे एहसान फरामोश ऊंट, शिकायत करने के बजाय अगर तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें पता चलता कि तुम दूसरे जानवरों से कितना ज्यादा संपन्न हो। तुम्हारे पैर सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त हैं। तुम्हारा कुबड़ कई दिनों तक भोजन जमा कर रख सकता है, और तुम्हारे शरीर पर भी सर्दी या गर्मी का कोई असर नहीं पड़ सकता। उसके अलावा कोई चाकर भी तुम्हारे कद की बराबरी नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है कि तुम अपने इन अद्भुत गुणों की प्रशंसा करने के बजाय हमेशा शिकायत करते रहते हो। इसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कानों को छोटा करता हूँ। ऊंट को जुपिटर ग्रह की बातों में छिपी सच्चाई का एहसास हुआ। अपना सिर शर्म से झुकाते हुए उसने ये वादा किया कि अब वो हमेशा अपने गुणों के इस खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई में करेगा। एक बार की बात है, एक राजकुमार ने कुछ बंदरों को नाच सिखाने का इंतजाम किया। अपने स्वभाव से नकलची इन बंदरों ने बड़ी मेहनत और लगन से नाचना सीख लिया, और फिर महल के दूसरे कलाकारों की तरह इन्होंने भी तरह तरह की पोशाकें और मुखौटे पहनकर दरबार में अपने बेहतरीन नृत्य का प्रदर्शन किया। बंदरों का ये नाच बहुत मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग आकर ये नाच देखने लगे। बंदरों के शानदार नाच की तारीफ में पूरा महल तालियों से गूंज उठता। महल का एक दरबारी बंदरों की इस प्रशंसा से मन ही मन जलता था, और इसके लिए उसने एक चाल चली। फिर एक दिन जब दरबार में बंदरों का नाच चल रहा था तो उस दरबारी ने मुट्ठी भर काजू बादाम मंच पर फेंक दिए। मंच पर पड़े मेवों को देखते ही सभी बंदरों ने नाचना बंद कर दिया और अपना असली स्वभाव दिखाते हुए पोशाक और मुखौटे उतार कर फेंक दिए, और फिर सब के सब मेवों के लिए छीना झपटी करने लगे। बंदरों की इस हरकत को देखकर दरबार में आए सभी लोग उन पर हंसते हुए वहां से चले गए। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की नकल करके या उसका मुखौटा लगाकर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता और ना ही उसकी तरह व्यवहार कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हमेशा वैसा नहीं करते जैसा कि वो दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपनी राय किसी के रूप को देखकर नहीं बल्कि उसके व्यवहार को देखकर बनानी चाहिए।